स्टार्ट। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर निधि काबरा है और मैं स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ एवं निःसंतानता रोग विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत हूँ। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है प्रीटर्म लेबर पेन्स, यानी समय के पहले डिलीवरी के दर्द का आ जाना। हम चर्चा करेंगे कि इसके क्या कारण होते हैं व इसका निदान या उपचार किस तरह से किया जा सकता है। सबसे पहले ये समझना और जानना जरूरी है कि आखिर प्रीटर्म लेबर पेन्स क्या होता है और हम इसका ट्रीटमेंट क्यों करना चाहते हैं। जो भी प्रेगनेंसी 37 वीक्स को क्रॉस कर लेती है उसे हम टर्म प्रेगनेंसी कहते हैं। यानी टर्म प्रेगनेंसी मतलब कि बच्चा जो है पूरी तरह से गर्भाशय के अंदर विकसित हो चुका रहता है और डिलीवरी के होने के बाद वो बाहर के एनवायरमेंट में एडजस्ट करने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है। अगर उस टाइम पर डिलीवरी होती है तो माँ और बच्चा दोनों पूरी तरह से सही निकलते हैं और उनमें डिलीवरी के बाद होने वाले कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस बहुत कम होते हैं। पर यही डिलीवरी अगर 37 वीक्स के पहले होती है, यानी कि 8-8.5 महीना जो गर्भाशय का होता है उसको क्रॉस करने के पहले हो जाती है, तो डिलीवरी के बाद बच्चे में जो नवजात शिशु है उसमें कई तरह के कॉम्प्लिकेशन आने के चांसेस रहते हैं, जैसे कि इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज, नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस एंड सबसे इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन जो कि काफी ज्यादा सोचने का विषय है, जिसके कारण बच्चे की जान को भी काफी खतरा होता है, वो है बच्चे के फेफड़े का विकास ना हो पाना। ये मैं आपको बता दूं कि बच्चों में फेफड़े के विकास के लिए एक एलिमेंट होता है जिसे कि सर्फैक्टेंट कहते हैं और उसका सिक्रीशन 20 हफ्ते यानी 5 महीने के बाद बच्चे के अंदर स्टार्ट हो जाता है और उसका कंप्लीशन जो होता है वो 34 या 36 वीक्स के बाद तक कंप्लीट हो जाता है। अगर उसके पहले कोई भी डिलीवरी होती है तो उसमें बच्चे के फेफड़े का विकास बिल्कुल भी नहीं होता, बच्चा बिल्कुल भी बाहर सांस लेने लायक नहीं होता। इसलिए ऐसी डिलीवरी जो कि 34 वीक्स के पहले हो जाती है उस तरह के बच्चों को इवन NICU में बचाने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसलिए हर ऑब्स्टेट्रिशियन, हर डॉक्टर ये चाहता है कि जो माँ है, गर्भवती महिला है, वो किसी भी तरह से अपनी प्रेगनेंसी को एटलीस्ट 34 वीक्स तक क्रॉस कर ले, जिससे कि और 37 वीक्स क्रॉस कर पाए तो बहुत ही अच्छी बात है। अब हम जानते हैं कि ऐसी कौन सी महिलाएं हैं जिनमें प्रीटर्म लेबर पेन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अगर हम माताओं की बात करें और उनकी पुरानी हिस्ट्री की बात करें तो वो सारी महिलाएं जिनमें पहले प्रीटर्म डिलीवरी हो चुकी है वो सबसे ज्यादा हाई रिस्क कैटेगरी में आती हैं, जिनमें दोबारा प्रीटर्म डिलीवरी होने के चांसेस रहते हैं, या वो महिलाएं जिनमें बार बार गर्भपात होता है या वो बार बार गर्भपात कराती हैं, या वो महिलाएं जो कि बार बार और कम इंटरवल या कम गैप से गर्भवती हो जाती हैं, उनमें माल नरिशमेंट की वजह से या बच्चेदानी में कमजोरी आ जाने की वजह से गर्भाशय में ताकत नहीं रहती प्रेगनेंसी को पूरा टर्म तक कंटिन्यू कर पाने की, और इस तरह की महिलाएं में प्रीटर्म लेबर पेन होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। अगर हम प्रेजेंट प्रेगनेंसी की बात करें तो अगर इस प्रेगनेंसी में माँ को शुरू के 3 महीनों के अंदर कई बार ब्लीडिंग हो चुकी है और दवाइयों के जरिए उस प्रेगनेंसी को अगर डॉक्टर कंटिन्यू तो करवा पाता है, लेकिन ये काफी ज्यादा चांसेस रहते हैं कि इस तरह की महिलाओं में समय के पूर्व दर्द आ जाए, और या फिर माता में किसी भी तरह के कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हैं, लाइक उन्हें थायराइड का कोई डिसऑर्डर है, उन्हें डायबिटीज है, हाई बीपी है, या किसी भी तरह का सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन है लाइक किडनी में स्टोन्स हैं, अपेंडिक्स की प्रॉब्लम है, अंडे की थैली में गांठे हैं जिसके कारण से किसी भी कारण से ऑपरेशन की बीच प्रेगनेंसी में ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, तो ये सभी चीजें प्रीटर्म डिलीवरी की तरफ अग्रसर हो जाती हैं। अगर किसी भी कारण से माँ को बार बार इन्फेक्शन हो जाता है, बार बार बुखार आता है, चाहे पेशाब में बार बार इन्फेक्शन हो जाए, चाहे वजाइनल इन्फेक्शन हो जाए यानी सफेद पानी का बार बार आना, तो ये सभी तरह के इन्फेक्शन जो है दर्द को प्रमोट करते हैं। इसके अलावा अगर गर्भाशय में बच्चे की बात की जाए तो गर्भाशय यूजुअली एक बच्चे के लिए तैयार रहता है। अगर मल्टीपल प्रेगनेंसी है यानी ट्विंस या ट्रिपलेट प्रेगनेंसी है, या बच्चे के चारों तरफ पानी बहुत ज्यादा है, उस केसेस में बच्चेदानी के मुंह पे प्रेशर होने की वजह से दर्द आ सकते हैं, या वो सभी महिलाएं जो कि वर्किंग हैं, तो ऑब्वियसली वर्किंग होती हैं तो उनके ऊपर डबल वर्क होता है, घर का और बाहर का स्ट्रेस, वर्किंग स्ट्रेस भी आता है, या ऐसी महिलाएं जो कि अपने वर्क प्लेस में भाग दौड़ का काम ज्यादा करती हैं या वजन ज्यादा उठाती हैं, उनमें भी पेट पे प्रेशर आकर, बच्चेदानी के मुंह पे प्रेशर आकर प्रीटर्म लेबर पेन्स होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अगर हम बच्चेदानी की बात करें तो
अगर बच्चेदानी में किसी भी तरह की कोई जन्मजात विकृति है, जैसे बाइकॉर्नियट यूट्रस है या बच्चेदानी के अंदर फाइब्रॉइड्स हैं जिसे रसौली की गठाने कहा जाता है, तो उस तरह के भी गर्भाशय प्रेगनेंसी को टर्म तक कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। इस तरह की महिलाओं को बहुत जरूरी है कि वो अपने डॉक्टर से रेगुलर विजिट करें, उनसे रेगुलर कंसल्ट करें, रेगुलर ट्रीटमेंट रहें। आज हमारे पास कई तरह के जांच के जरिए हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट सोनोग्राफी है, अगर जिसमें माँ के सिम्टम आने के पहले बच्चेदानी के मुंह की लेंथ जो है वो नाप ली जा सकती है। नॉर्मली वो जो लेंथ है 3 से 3.5 सेंटीमीटर की होती है। अगर हम सोनोग्राफी में ये देखते हैं कि बच्चेदानी के मुंह की लंबाई कम हो गई है, वो केवल 2.5 सेंटीमीटर या उससे कम रह गई है, या उसका फनलिंग ऑफ इंटरनल ऑस लग रहा है, या ओपन होता हुआ माउथ दिख रहा है, तो उसी कंडीशन में अगर बच्चेदानी के मुंह पर टांके लगा दिए जाए, जिस प्रोसीजर को सर्वाइकल एनसेफलाज कहा जाता है, तो काफी हद तक प्रीटर्म लेबर को रोका जाता है और इस तरह की प्रेगनेंसी को टर्म तक कंटिन्यू करने में हेल्प मिलती है। इसके अलावा प्रोजेस्ट्रॉन की दवाइयाँ, प्रोजेस्ट्रॉन नाम की दवाई जो कि गोली या इंजेक्शन की फॉर्म में आता है, वो इस तरह की महिलाओं को प्रिस्क्राइब किया जाता है, जिससे काफी इम्यूनो मॉड्यूलेटिंग इफेक्ट्स और यूटराइन रिलैक्सिंग इफेक्ट्स होते हैं। यानी ये गर्भाशय को रिलैक्स करके रखता है ताकि छोटे मोटे स्ट्रेस की वजह से इस तरह के पेन्स ना आ पाए। इसके अलावा इस तरह की महिलाओं को मेडिटेशन, बेड रेस्ट की भी सलाह दी जाती है ताकि वो स्ट्रेस फ्री एनवायरमेंट में रहें और इसको रोका जा सके। लेकिन फिर भी और इस तरह की महिलाओं को 28 वीक्स के आसपास स्टेरॉइड के इंजेक्शंस भी दिए जाते हैं। ये स्टेरॉइड के इंजेक्शन जो कि बेटनिसोल और डेक्सोना के नाम से मार्केट में मिलते हैं, जो कि सर्फैक्टेंट बनने की प्रोसेस को थोड़ा बढ़ा देते हैं, और अगर किसी कारणवश जल्दी डिलीवरी हो जाती है तो बच्चों के लंग मेच्योरिटी के इमेच्योरिटी के चांसेस कम होते हैं। लेकिन किसी भी कारण से इन सब दवाइयों और सब चीजों के बावजूद भी अगर दर्द आने लग जाए तो इस तरह की गर्भवती महिलाओं को घर पर नहीं रुकना चाहिए, उन्हें इमीडिएटली अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए और उन्हें उसी वक्त अस्पताल में भर्ती हो जाना चाहिए, क्योंकि उस तरह के लेबर पेन स्टार्ट होने के बावजूद भी हमारे पास कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो कि निफेडिपिन है, डिवर्टिलांस है, जिनके इंजेक्शन या गोलियां स्टार्ट करके अगर इस लेबर को 2 से 3 दिन तक भी हम प्रोलॉन्ग कर देते हैं और स्टेरॉइड के इंजेक्शन का रिपीट डोज दे देते हैं जिसका भी इफेक्ट 2 दिन के बाद आना है, तो भी इससे लंग मेच्योरिटी इंप्रूव करने में काफी हेल्प मिलती है। इन दवाइयों को लंबे टाइम तक कंटिन्यू नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे गर्भवती महिला में होने वाले कॉम्प्लिकेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं, पर फिर भी अगर हमें 2 से 3 दिन का भी टाइम मिल जाता है बच्चे की लंग मेच्योरिटी को इम्प्रूव करने में, तो वो भी डिलीवरी के बाद नवजात शिशु की सर्वाइवल रेट को बढ़ाने में काफी कारगर और मददगार साबित होता है। तो मेरी आपसे यही सलाह है कि अगर आप इस वीडियो के देखने के बाद आप ये पाते हैं कि आप किसी भी तरह से हाई रिस्क ग्रुप कैटेगरी में आते हैं प्रीटर्म लेबर पेन्स के, तो आपको आज ही जाकर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, उनसे नियमित रूप से परामर्श लेना चाहिए, रेगुलर अपनी सोनोग्राफी करवाना चाहिए, प्रिस्क्राइब की गई सभी दवाइयों को का नियमित रूप से सेवन करना चाहिए और सभी दवाइयों का नियमित रूप से सेवन करना चाहिए। और अगर आप हमसे किसी भी तरह का सवाल का आंसर चाहते हैं तो आप इस वीडियो के नीचे अपनी क्वेरी लिख सकते हैं, हमें आपकी हेल्प करने में काफी खुशी होगी। धन्यवाद। हैप्पी दिवाली।